सिद्धगंगा मठ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पूज्य शिवकुमार स्वामी जी ने त्रिविधा दसो ही यानी अन्ना अक्षरा और आश्रय की जो विरासत छोड़ी उसे आज श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पूज्य संतों को नमन करता हूं। गुब्बी स्थित श्री चिदंबरा आश्रम और भगवान चन्नबसवेश्वर को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है। आज तुमकुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुर जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। साल 2016 में एक संकल्प के साथ मुझे इसके शिलान्यास का सौभाग्य मिला था और संकल्प ये था कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है, आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक तोप नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है।
2014 से पहले के ये आंकड़ा याद रखना, याद रखोगे? 2014 से पहले के 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना बीते 8-9 वर्षों में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार तो दे ही रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है। आने वाले समय में यहां तुमकुरु में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां होगा। जब इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है, हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तुमकुरु के हेलीकॉप्टर कारखाने से यहां आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योगों को, व्यापार कारोबार को भी बल मिलेगा। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है।